हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट गांधीयन इरा इन इंडिया 1915 टू 1948 एडी। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने गांधीयन इरा इन साउथ अफ्रीका पढ़ा था। तो साउथ अफ्रीका में वो कब से कब तक रहे थे, 1893 से लेकर 1914 तक। उसमें हमने पढ़ा कि उन्होंने कैसे कैसे साउथ अफ्रीका में कौन कौन से सत्याग्रह या उन्होंने कौन कौन से वहाँ पर आंदोलन किए थे। लास्ट में हमने पढ़ा था 1914 में वो इंडिया वापस आ गए थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि वो इंडिया में जब आ गए तो उन्होंने इंडिया में आकर क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए थे। देखिए, आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी ने इंडिया की इंडिपेंडेंसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किए थे, तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1915 में। सबसे पहले जब ये इंडिया में वापस आए तो इन्होंने 1915 में क्या काम किया। अराइव्ड इन बॉम्बे इंडिया, ये कहाँ पर पहुँचे, बॉम्बे में, कब, ऑन 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को ये बॉम्बे पहुँचे। 9 जनवरी को ये पहुँचे थे ना इंडिया, इसलिए इस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को, ठीक है। तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। इन्होंने क्या किया, फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह आश्रम एट कोचाराब नियर अहमदाबाद, इन्होंने एक सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की अहमदाबाद में 20 मई को। इन 1917 आश्रम शिफ्टेड एट द बैंक्स ऑफ साबरमती, फिर इन्होंने इस आश्रम को 1917 में कहाँ पर शिफ्ट कर दिया था, साबरमती के किनारे, जो साबरमती नदी है उसके किनारे इन्होंने इस आश्रम को शिफ्ट कर दिया था। फिर इन्होंने 1915 में आते ही एक काम किया था, इन्होंने पूरे इंडिया का टूर किया था। इन्होंने आते ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था, इन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि पहले मैं इंडिया में, पूरे इंडिया में घूमकर हर जगह की सिचुएशन को देखूंगा, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि क्या करना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 1916 में। 1916 में ये क्या करते हैं, डिलीवर्ड आ स्पीच ऑन द ओकेजन ऑफ ओपनिंग सेरेमनी ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU 4 फेब। 1916 में जब ये पूरे इंडिया का टूर कर रहे थे ना, तो इन्होंने एक स्पीच दी, कहाँ पर, एक ओपनिंग सेरेमनी थी BHU यूनिवर्सिटी की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग सेरेमनी थी, तो इन्होंने वहाँ पर एक स्पीच दी थी। अबस्टेन फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स, इस टाइम ये बहुत दूर रहे थे किससे, जो उस टाइम की एक्टिव पॉलिटिक्स थी। दो ही अटेंड लखनऊ सेशन, लेकिन फिर भी ये पॉलिटिक्स से दूर थे, लेकिन फिर भी इन्होंने लखनऊ सेशन था ना जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो इन्होंने अटेंड किया था। ये कब हो रहा था, 26 से 30 दिसंबर 1916 को, वेयर राजकुमार शुक्ला अ कल्टीवेटर फ्रॉम बिहार। तो वहाँ पर जब ये लखनऊ इन्होंने सेशन अटेंड किया, तो वहाँ पर एक राजकुमार शुक्ला थे, वो कौन थे, कल्टीवेटर थे बिहार से, रिक्वेस्टेड हिम टू केम टू चंपारण, इन्होंने इनको चंपारण आने के लिए रिक्वेस्ट की, ठीक है, क्योंकि चंपारण के जो कल्टीवेटर थे उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, तो इसलिए इन्होंने, राजकुमार शुक्ला ने इनको चंपारण आने के लिए रिक्वेस्ट किया। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनको चंपारण आने के लिए किन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो राजकुमार शुक्ला ने। नेक्स्ट आ जाते हैं 1917 में, फिर इन्होंने क्या किया, गांधी एंटर्ड एक्टिव पॉलिटिक्स। 1917 में इन्होंने वहाँ की जो पॉलिटिक्स थी उसमें एंटर कर लिया, विद चंपारण कैंपेन टू रिड्रेस ग्रीवेंसेज ऑफ द कल्टीवेटर ओप्रेस्ड बाय इंडिगो प्लांटर्स ऑफ बिहार। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, इन्होंने जब इसकी पॉलिटिक्स में एंटर किया ना, किसके साथ किया था, चंपारण कैंपेन चलाया इन्होंने। तो चंपारण में क्या हो रहा था, वहाँ के जो किसान थे उनको नील की खेती करने के लिए ना बहुत ज़्यादा उनको फोर्स किया जाता था, जिससे उनको कोई लाभ नहीं होता था, इसलिए उन्होंने उसके अगेंस्ट चंपारण कैंपेन चलाया था। चंपारण सत्याग्रह वाज हिज फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया में इनका फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कौन सा था 1917 में, जो इन्होंने चंपारण कैंपेन के दौरान चलाया था। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि उन महात्मा गांधी का फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कौन सा था, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा था, तो हमने पहले पढ़ा था जब साउथ अफ्रीका में 1906 में
1906 में इन्होंने एक जो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था। लेकिन अगर इंडिया का पूछा जाए कि इंडिया में इन्होंने फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब चलाया, तो 1917 में चंपारण कैंपेन के दौरान। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है 1918। फिर 1918 में इन्होंने क्या किया, इन फैब 1918 गांधी लॉन्च द स्ट्रगल इन अहमदाबाद विच इन्वॉल्व इंडस्ट्रियल वर्कर। तो यहाँ पर फरवरी 1918 में इन्होंने क्या किया, अहमदाबाद में एक स्ट्रगल लॉन्च किया, इन्होंने एक आंदोलन लॉन्च किया जिसमें इन्होंने इंडस्ट्रियल वर्कर को शामिल किया था। हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन, इस जो इन्होंने ये अहमदाबाद में जो इन्होंने स्ट्रगल लॉन्च किया ना, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट वेपन हथियार इन्होंने अपनाया वो भूख हड़ताल को अपनाया। ये महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल थी, वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय गांधी ड्यूरिंग अहमदाबाद स्ट्रगल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, उन्होंने सबसे पहली भूख हड़ताल कब की थी, महात्मा गांधी जी की पहली भूख हड़ताल 1918 में अहमदाबाद स्ट्रगल के दौरान की गई थी। इन मार्च 1918 गांधी वर्कड फॉर द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा इन गुजरात। 1918 में गांधी जी ने जो खेड़ा के किसान थे ना, जो गुजरात में थे, उनके लिए भी काम किया। हु वर फेसिंग डिफ़िकल्टीज, जो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, इन पेइंग द रेंट, वो रेंट पे नहीं कर पा रहे थे, टैक्सेस पे नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो क्रॉप्स थी वो फेल हो गई थी, ख़राब हो गई थी, इसलिए उन्होंने इनके खेड़ा के किसानों के लिए भी आंदोलन किया था, उनके लिए भी काम किया था, जिसको खेड़ा सत्याग्रह बोला जाता है। तो इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह कब किया था, 1918 में, कहाँ पर, गुजरात में। खेड़ा सत्याग्रह वाज इज फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो देखिए कई चीज़ें आती हैं, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ पर आया है फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो महात्मा गांधी जी थे उनका पहला असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1918 में, कहाँ पर, खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गुजरात में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि उनका पहला फर्स्ट जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किया गया, मतलब उनका खेड़ा सत्याग्रह था, ये उनका पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। तो याद कीजिए एक बार, उनका पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन सा था, 1917 में जो उन्होंने किया था। ठीक है, और इनकी पहली भूख हड़ताल कब हुई, 1918 में, कब हुई, 1918 में, और पहला जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो भी वो कौन सा था, खेड़ा सत्याग्रह था 1918 में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 1919। तो एक बार आप 1919 का टाइम पीरियड याद कीजिए, आप सबको पता ही होगा 1919 का जो सबसे बड़ा कांड हुआ था वो कौन सा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो उसमें देखिए क्या हुआ था, इस टाइम गांधी जी क्या कर रहे थे, गांधी गेव अ कॉल ऑफ सत्याग्रह, गांधी जी ने एक सत्याग्रह बुलाया अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आया था ना 1919 में, जो ब्रिटिशर्स लेके आए थे, ऑन अप्रैल 6, 1919, 6 अप्रैल 1919 को जो रॉलेट एक्ट आया उसके अगेंस्ट इन्होंने एक सत्याग्रह किया एंड टुक द कमांड ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। और इस टाइम इन्होंने जो पहली बार किसी नेशनलिस्ट मूवमेंट की कमांड ली थी अपने हाथों में, फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट। तो ये जो था ना इनका जो ये सत्याग्रह था, ये पहला इनका ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट था। गांधी रिटर्न्स केसरे हिंद गोल्ड मेडल एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मासर। देखिए तो इस टाइम क्या हुआ था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका अगेंस्ट इन्होंने, उसके अगेंस्ट क्या किया, महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। एक बार याद कीजिए केसरे हिंद की उपाधि इनको कब दी गई थी, इनको 1914 में जब ये साउथ अफ्रीका से वापस आ रहे थे तो उस टाइम इनको दी गई थी। क्यों दी गई थी, इन्होंने बोर युद्ध के दौरान जो वो एक आंदोलन चालू किया था ना इन्होंने इंडियन एम्बुलेंस कोर, उसके लिए इनको ये केसरे हिंद की उपाधि दी थी। तो इसमें इन्होंने क्या किया, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो ये इससे इतने परेशान हुए कि इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इलेक्टेड गांधी एज इट्स प्रेजिडेंट नवंबर 1919 दिल्ली। तो इस टाइम क्या हो रहा था, जो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस थी, खिलाफत जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें गांधी जी को प्रेजिडेंट इलेक्ट कर दिया गया। तो देखिए 1920 में क्या हो रहा था, जो असहयोग आंदोलन और जो खिलाफत आंदोलन ये दोनों साथ साथ हो रहे थे।
तो इसमें दोनों में ही गांधी जी को प्रेसिडेंट बनाया गया था। इसको हम अगले उसमें पढ़ते हैं। देखिए 1920 से 22 में क्या हुआ, गांधी लीड्स द नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी ने ना दोनों, जो नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन और खिलाफत मूवमेंट, दोनों को लीड किया था अगस्त 1, 1920 से लेकर फेब 1922। तो देखिए ये जो आंदोलन था ना, नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन था, ये तो क्यों कौन कर रहे थे, जो ये भारतीय हिंदू लोग थे ये कर रहे थे। और जो खिलाफत मूवमेंट थी, हमने पहले आपको पढ़ाया खिलाफत आंदोलन कौन था, जो मुस्लिम कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये इनको खलीफा होता था जो इसको हटाने के लिए ब्रिटिशर्स ने ऐलान कर दिया था, इसलिए इन्होंने खिलाफत मूवमेंट की स्टार्टिंग की थी। तो जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ये क्यों लाया गया था, ये 1920 से 1924 का टाइम पीरियड लाया गया कि भाई इस टाइम पीरियड में इंडिया को आज़ाद करा लिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, 1922 में ही एक चोरा चोरी हत्याकांड, जो चोरा चोरी जब का जो कांड हुआ था, वहाँ पर पुलिस की एक वो थी, चौकी थी, उसमें आग लगा दी थी। इससे गांधी जी दुखी हो गए थे और उन्होंने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस टाइम ये माना जाता है कि पूरी इंडिया थी ना, वो पूरी इंडिया में हिंदू और मुस्लिम के बीच में पूरी यूनिटी देखने को मिली थी। अगर ये जो मोमेंट था ना, ये कंटिन्यू रहता और कंटिन्यू 1924 तक रहता, तो ऐसा माना जाता है इंडिया आज़ाद हो ही जाता। तो देखिए क्या होता है, 1920 से लेकर 1922 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत जो मूवमेंट थे दोनों को लीड किया, गांधी कॉल्स ऑफ मूवमेंट। फिर गांधी जी ने मूवमेंट को बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया आफ्टर द वॉयलेंट इंसिडेंट एट चोरा चोरी। किस लिए, जो वॉयलेंट इंसिडेंट हुआ चोरा चोरी में, कब, ऑन फेब 5, 1922, 5 फरवरी 1922 को। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज द फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिक्स अंडर गांधी। जो ये असहयोग आंदोलन था, ये गांधी जी का पहला मास बेस्ड पॉलिटिक्स था गांधी जी के अंडर। तो देखिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है 1924 में। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, तो इन सबको हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।